नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद टच लाइफ ब्यूटी चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अंकुरित चने की। देसी चना बादाम जैसे ड्राई फ्रूट से भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में इन्हें चने की दाल और चने को शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। चने के सेवन से हम कई रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। भीगे चने को फाइबर प्रोटीन मिनरल और विटामिन खूब मात्रा में होते हैं जो कि हमारी बीमारियों से बचाव करते हैं और हमें हेल्पफुल बनाते हैं। जैसे हर व्यक्ति के लिए चने खाने के अपने अलग फायदे होते हैं, लेकिन खासकर पुरुषों को तो ये ज़रूर खाने चाहिए। चना शरीर को की अनेक बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनाता है, साथ ही यह दिमाग को तेज और चेहरे को सुंदर बनाता है। चेहरे के में सबसे अधिक फायदा इन्हें अंकुरित करके खाने से होता है। आइए इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां प्राप्त करते हैं। शरीर को सबसे ज़्यादा पोषण भीगे चने से मिलता है। चने में बहुत सारे विटामिन और क्लोरोफिल के साथ फास्फोरस और मिनरल्स होते हैं, जैसे इन्हें खाने से शरीर में कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। एक चम्मच शक्कर के साथ मुट्ठी भर भीगे चने खाने से हमारे स्पर्श काउंट बढ़ता है। रात भर भीगे हुए चने से पानी को अलग करके उसमें अदरक जीरा नमक मिक्स कर ले। इसके इस प्रकार खाने से पेट की कब्ज और पेट में दर्द में राहत मिलती है। शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए अंकुरित चने में नींबू अदरक के टुकड़े हल्के नमक और काली मिर्च डालकर सुबह नाश्ते में खाएं। इससे आपको दिन भर पूरी एनर्जी मिलेगी। काला चना शरीर के अंदर की गंदगी को अच्छी तरह साफ करता है, जिससे डायबिटीज एनीमिया आदि की परेशानियाँ दूर होती हैं। चीनी के बर्तन में रात को चने भिगो कर रखें, सुबह खाली पेट खूब चबा चबा कर खाएं। इसे लगातार सेवन करने से हमारे वीर्य में बढ़ोतरी होती है और पुरुषों को से जुड़ी समस्या दूर हो जाती हैं। भीगे चने के साथ दूध पीने से वीर्य का पतलापन दूर हो जाता है। अगर आप डायबिटीज से परेशान हैं और अपने आहार में भीगे चने को शामिल करें तो सुबह खाली पेट इसे सेवन करने से डायबिटीज जैसी समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार से हम चने का उपयोग करके अनेक बीमारियों से अपने शरीर से छुटकारा पा सकते हैं और अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ में वीडियो को अपने दोस्त फैमिली में व्हाट्सअप फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करें। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।